हेलो गाइस, वेलकम बैक ऋषभ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो अभी चलते हैं दुकान खोलने के लिए क्योंकि पंडित जी आ चुके हैं, तो मिलते हैं आपको दुकान पे पहुँच के। अभी चल रही सफाई दुकान की, दुकान की सफाई कराते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं। जब तक मंदिर उगाते हैं फिर, जब तक पंडित जी दुकान की सफाई कर रहे हैं तो जब तक अपन मंदिर उगाते हैं, तो चलते हैं मंदिर। भी आ चुके हम खाना खाने के लिए घर पे, तो खाना खाते हैं और खाना खा के चलते हैं दुकान पे, क्योंकि पापा जी को कुछ काम से जाना बैंक, इसलिए चलते हैं खाना खा के दुकान। तो मिलते हैं आपको खाना खा के दुकान पे। भाई थोड़े से लेट क्या हो गया जिम जाने के लिए, तो मेरा पार्टनर दे फोन परेशान कर दिया। मैं बोला आ रहा हूँ, अभी 7 नहीं बजे हैं, रुक जा। तो चलते हैं फटाफट जिम और मिलते हैं आपको जिम में पहुँच के फिर। तो आज मैं मार रहा हूँ बैक, तो अभी मेरी बारी आने वाली है बैक की, तो अपन मार रहे हैं बैक। तो अभी करते हैं एक्सरसाइज और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी अपना पार्टनर कर रहा है ट्राइसेप्स, तो इसको करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने अपनी वर्कआउट डन कर दिया है क्योंकि मैं टायर्ड हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने प्री वर्कआउट में लिया है, इसलिए तो इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज बची है, इसको करने दो जब तक अपन अपना प्रोटीन ले लेते हैं। तो अपने ब्लड के ऊपर जम गई है ओस, तो अपनी बम हो जाएगी अब गीली, कर जाते हैं टाइम घर जाके करना है चेंज। तो घर पे आ गए हैं, तो घर पे अपन बना रहे हैं दलिया अपने लिए, नमकीन दलिया। तो चलते हैं देखने में, सीटी आ रही है उसमें, तो मैंने अपना नमकीन दलिया बना लिया है। तो उससे क्या कि मैंने अपने उसमें वेजिटेबल्स भी डाल दिया अपना, तो इसको बनाते हैं। दूध वाला दलिया है तो दूध डाल लेंगे इसमें, वेजिटेबल वाला नहीं, मम्मी ने बनाया ना, मुझे पता नहीं है, तो अभी बनना है बस पक जाए। खा रहा हूँ मैं दलिया, और दलिया खा रहा हूँ नमक डाल के, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिन बाद खा रहा हूँ, क्योंकि जब जिम जाते तो ऐसी चीज़ ज़्यादा खानी पड़ती है, डाइटिंग और सारी चीज़ तो खा लेते हैं, प्रोटीन हुआ, पनीर वनीर हुआ, तो वो सब तो मैंने खा ली दिन में, पीनट बटर ब्रेड भी खा लिया। तो अब क्या करें शाम को, अभी मैं खाना खाऊंगा तो फैट ही खाना होता है, फिर फैट कम नहीं होगा, इसलिए मैं दलिया खा के फिर स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और मम्मी जी आ गई हैं, तो मम्मी जी सुबह चली जाती है, सुबह 5 बजे सीधा शाम को आती है, जब मैं जिम से आता हूँ तब मुझे मिलती है। तो अभी मम्मी जी से बात करते हैं, आपको भी मिलाते हैं मम्मी जी से, क्योंकि मम्मी जी 84 उसके प्रखंड मंत्री, तो उसी में बिजी हैं। तो अभी मम्मी जी से मिलाते हैं थोड़ी देर में, मैं अपने रूम में पहले खा लूँ। अभी हमारी मम्मी आ चुकी हैं, मम्मी जी हमारी सुबह सुबह चली जाती हैं। मम्मी हैं, मम्मी आज कहाँ घूम के आई थी, अब नहीं जाओगी? कल ना जा रही हूं। अच्छा कल छुट्टी है, तो आज कहाँ घूम के आई थी? आज घूम के आए कोकलावन, कोसी। अच्छा खूब घूम रही है 84 को, खूब मजे ले रही है 84 को, इनकी कमेटी है तो उनको ले जाती है गाड़ी में बढ़िया, और वहाँ पंडित जी मिल जाते हैं, छक्के घूम रही है, देख रहे हो अकेले अकेले घूम रही है। हेलो गाइस, वेलकम मेरे ऋषभ ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं 1 और 1 बजे तक मैं नहाया नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब से स्टडी करने लगा हूँ सुबह से, मैंने खाना भी खा लिया फिर मैं नहाया नहीं हूँ। तो अभी मुझे कुछ काम से जाना है, दुकान शॉप खोलने के लिए कुछ काम है, इसलिए तो अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो शॉप पे आके अपना न्यू स्टॉक आ चुका है, तो न्यू स्टॉक को करते हैं सेट। तो ये सब न्यू स्टॉक आए हैं अभी, तो इनको सेट करते हैं देने वाले, तो इनको बोलते हैं कमरबंद, तो इनको मैं सेट कर लूँ, और जो कस्टमर आए थे उनको भी डील कर दिया, तो वो भी लेके चले गए। एक कस्टमर बोल के गया अभी कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ भैया, बैठे रहना, और मुझे बैठे बैठे अभी आधे घंटा हो गया, अभी मैं नहाया अभी नहीं हूँ, बच चुके हैं 2:30, तो मैं क्या ही नहाऊँगा और उसके चक्कर में बैठा हूँ, क्योंकि आज शॉप की छुट्टी थी। तो बोल के गया है कि भैया मैं आ रहा हूँ, बट प्रॉब्लम में फंस गया, तो उसका वेट कर रहा हूँ, उसका नंबर है नहीं। तो अभी भी मैं दुकान से फ्री नहीं हुआ हूँ, तो एक प्रोग्राम में जाना है वहाँ भी नहीं गया, कस्टमर लगातार आ रहे हैं, क्योंकि आज छुट्टी है तब भी आ रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है, इसलिए तो कोई नहीं, तो उनको भी हैंडल कर लिया, तो अभी मैं फ्री हो गया, तो अभी मैं बढ़ाता हूँ, क्योंकि नहीं तो आते रहेंगे, फिर चलते हैं उसके प्रोग्राम में हैंडल करने के लिए। मैं प्रोग्राम में भी जाना है और मुझे फ्रेश भी होना है, क्योंकि ना मैं फ्रेश हुआ, ना मैं नहाया, और ना मैंने मुँह धोया, सुबह से मुँह भी नहीं धोया, तो आप लोग देख लो कैसा लग रहा हूँ सुबह से। पड़ा के आ चुके हैं, तो अभी मैं मुँह धो लूँ और अपने कपड़े चेंज कर लूँ, क्योंकि एक घंटे बाद मेरा फोन आ जाएगा, क्योंकि आज हम जिम थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि आज अपनी दुकान की शॉप की छुट्टी है, तो अपने पास टाइम है, तो आज क्या कि 2 एक्सरसाइज कर लेंगे अपन एक साथ। तो मैं और मेरा जो बड़ी है उसको भी फ़ोन लगा दूंगा, उससे बोल दूंगा जल्दी चलेंगे, तो वो भी उसका वर्क टू होम चल रहा है, तो वो जल्दी फ्री हो जाएगा आज, इसलिए तो अभी मैं अपना ड्रेसअप कर लूँ, बस टाइम भी है, तो अभी जब तक अपन सेविंग भी सेट कराया जाता हूँ, क्योंकि थोड़ी बड़ी हो रही है और पापा जी सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं, सेविंग बड़ी हो जाती है। आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मेरी सेविंग थोड़ी सी बड़ी थी, तो जितने भी रिलेटिव हैं सब चिल्लाते थे इतनी बड़ी सेविंग रखता है। तो जब दादी की एक्सपायरी थी तो मैंने क्लीन करके बोले थे अब अच्छा लग रहा है, तो मैं छोटी छोटी ही रख लूँगा, इससे कि है कि उनको भी दिक्कत ना हो, उनकी मन की भी हो जाए और मेरा भी रह जाए, तो दोनों का कॉमन हो जाएगा। तो चलते हैं अभी सेविंग बनवाने, तो अभी सेविंग बनवा ली अपनी, तो सेविंग बनवा के हो गए फ्री,
तो अभी चलते हैं वर्कआउट करने के लिए। तो अपन निकल चुके हैं और दोस्त को फ़ोन कर दिया है, तो वो भी आ रहा होगा। तो आज हम मारेंगे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स अभी, और जिम में जाके पता करते हैं क्या मारना है, क्योंकि हो सकता है शोल्डर भी मांग सकते हैं। तो आज मज़ा आएगा क्योंकि आज मैं प्री वर्कआउट भी लेके आया हूँ। अभी मिलते हैं आपको जिम में पहुँच के। और यहाँ पर ठंड पड़ती हुई, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, आज क्या पहन के आए इसलिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं जिम में, अभी करते हैं वर्कआउट। तो अभी आ चुके हैं हम जिम में, तो अभी करते हैं वर्कआउट चालू अपना। तो अभी करते हैं वर्कआउट और मिलते हैं आपको। तो आज हम मारेंगे शोल्डर, आज दो एक्सरसाइज करके जाएंगे एक साथ दो एक्सरसाइज करेंगे, पहले एक करेंगे फिर दूसरी करेंगे। तो अभी करते हैं स्टार्ट और मिलते हैं आपको एक्सरसाइज करने के बाद। तो अभी वर्कआउट करके आ चुके हैं घर पे, तो घर पे आके लेंगे अब डाइट। तो मम्मी से पूछते हैं, मम्मी क्या बनाया तुमने मेरे लिए? मथुआ की रोटी बनाई है, और अपनी सोयाबीन की विंग्स बना लेते हैं उसके साथ। आगे हमने डाइट बना रहे अपनी, तो सोयाबीन ये बॉईल कर दिए, तो ये सब्जी रखी है, ये रोटी, ये दाल, इसमें हम सोयाबीन की सब्जी में इसको मिला देंगे, इसको पहले बॉईल कर लूँ मैं। तो अभी खाना खा के हो गए फ्री, तो अभी फिर से स्टडी करते हैं। मुझे जिम में कह रहे वर्कआउट भी कर लिया, खाना खा लिया, तो अभी थोड़ी देर स्टडी करते हैं। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में स्टडी। और हाँ, आप लोगों को एक बताना भूल गया, बताओ पार्लियामेंट में अंदर घुस गए दो लोग, और उन्होंने वो क्या बोलते हैं फॉग धुएँ वाला वो स्मोक जला दिया। बताओ यार, अपने देश में इतनी बड़ी चीज़, पहले भी 2003 में हुआ था, इतनी सिक्योरिटी की इतनी भूल कि बताओ कि इतना होने के बाद भी सिक्योरिटी लोग कहाँ गए थे। तो अपने देश पर ये तो बहुत बड़ी बात है सिक्योरिटी के लिए, कि यार इतने इतने अच्छे अच्छे मंत्री, इतने इतने अच्छे अच्छे मिनिस्टर वहाँ बैठे हैं, उन लोगों के साथ ये हो रहा है। शौक हो गया देख के जब मैं न्यूज़ देखी, आप लोग भी शौक हो गए होंगे कि यार ये क्या हुआ। तो अभी देखते हैं क्या होता है, पता चलेगी जब जाँच होंगी। अरे यार, सोचने वाली बात है कि देश का इतना बड़ा वो पता उसमें ये हो गया। तो आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, तो मेरे लिए खासकर खुशखबरी है, आप लोगों के लिए तो है ही, मेरे लिए ज़्यादा है। तो अभी BHU के भी फॉर्म निकले आए, और DU के भी फॉर्म निकले आए, और PhD के लिए। तो मैं अपना इनरोल करता हूँ उसमें, और उसके बाद कट ऑफ आएगी, तो फिर देखेंगे कट ऑफ में किस किस का आता है, और उसमें बाय बाय कट ऑफ, फिर उसके बाद बाय बाय वाली लिस्ट आएगी। तो अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, रिजल्ट तो आ चुका है, तो बस अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो बाय बाय के लिए कॉल आएगी, तब देखते हैं किसका आएगा। जब तक मैं अपनी थीसिस तैयार कर लूँ, तो मेरा एग्जाम हो जाए, उसके बाद मैं 18-19 तारीख को अपनी थीसिस बनाने के लिए लग जाऊँगा, फिर मैं दिल्ली जाऊंगा अपने दोस्त के पास, तो उससे थीसिस बनाऊंगा। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो अब देखो क्या होता है, प्रे अपन अपनी हार्ड वर्क कर सकते हैं, पूरी मेहनत लगा देंगे, अगर होएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अगली बार ट्राई करेंगे, पर हार नहीं मानेंगे, होगा जरूर होगा, ये मेरा प्रे है, होगा कैसे नहीं, देखते हैं क्या होता है। टेस्ट थी